मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि वेल्थ क्या है। उसके लिए पहले हम तुमको डेफिनेशन बताते हैं। पहले तो वेल्थ तुम्हारे डेफिनेशन में सोना, चांदी, जमीन, कार, मोबाइल, बट इकोनॉमिक्स में वेल्थ का एक स्पेशल डेफिनेशन है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोजिटली इफ ए पेन बोलो, क्या ये पेन वेल्थ है? तुम बोलोगे नहीं। अकाउंट्स में तुम स्टेशनरी को डेबिट दोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चे के तौर पर, ठीक है ना? तो ये अकाउंट्स के तौर पर खर्चा है, वेल्थ नहीं हो सकता अकाउंट्स के तौर पर, क्योंकि एसेट साइड नहीं आता। बट इकोनॉमिक्स में मैं तुमसे दो सवाल पूछूंगा। क्या इसका मार्केट वैल्यू है? ये पेन में पेन का मार्केट वैल्यू है, आई थिंक इसका 10 रुपीज कुछ तो कॉस्ट होगा। क्या एक्सचेंज होता है? ये दुकानदार के पास था, मैंने दुकानदार से लिया। ये दो क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो क्या माना जाएगा वेल्थ। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में वेल्थ का डेफिनेशन आने के लिए दो चीजों की जरूरत। पहला, उसका मार्केट वैल्यू होना चाहिए। दूसरा, एक्सचेंजेबिलिटी होना चाहिए। तो कोई भी वस्तु को हम वेल्थ का दर्जा देंगे। टेक द एग्जांपल ऑफ एयर। इज एयर वेल्थ? इट डजंट हैव अ मार्केट वैल्यू, सो इट्स नॉट वेल्थ। बट ऑक्सीजन सिलेंडर, सपोजिटली 1,000 रुपए का सिलेंडर आता है तो मार्केट वैल्यू हुआ 1,000। क्या तुम दुकान से ले सकते हो? यस। देन एयर इन द ऑक्सीजन सिलेंडर इज वेल्थ। वाटर बॉटल या पानी, रेन वाटर, मार्केट वैल्यू नहीं है, बट बिस्लेरी 20 रुपए का आता है और तुम दुकान से खरीद सकते हो, इज इट वेल्थ? यस और नो? बिस्लेरी का जो बॉटल आता है, इज इट वेल्थ इन इकोनॉमिक्स? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, सोच के जवाब दे। नाउ अरिजीत सिंह की जो आवाज है, इज इट वेल्थ? यस एक आंसर यस है, यस वेल्थ है। पीपल पे टू हेयर हिज वॉइस, वेरी सुपर वॉइस, सिल्की वॉइस। ही गेट्स प्रोबेबली 15-20 लाख एक कॉन्सर्ट में मिलना चाहिए, वॉट एवर उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बट गुड वॉइस। नाउ जो वॉइस का गिफ्ट है, इज इट इंटरनल टू अ पर्सन और एक्सटर्नल टू अ पर्सन? इंटरनल। All internal things are not wealth in economics. It has to be external to a man. So, concert में भले पैसा मिलता होगा, लेकिन आवाज लता मंगेशकर, ये that is internal to a human being. So, economics में उसको definition of wealth दिया है। वो है, देश के लिए wealth है, लेकिन economics में नहीं। So, economics का wealth के definition के लिए थोड़ा सा और deeper जाते हैं। तुमको चार क्राइटेरिया पूरे करने होंगे, ठीक है ना? पहला, स्कैर्सिटी। इफ रेन वाटर, सनशाइन, एयर, उसकी कमी नहीं है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो यदि एयर अनलिमिटेड सप्लाई है तो वो वेल्थ नहीं कहलाए। तो स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है? या उसके पहले आते यूटिलिटी में, क्या उस वस्तु का कुछ इस्तेमाल हो सकता है? हवा का भी इस्तेमाल है, हवा का मेनली यूटिलिटी लाइफ के लिए है, तो हवा का भी यूटिलिटी है। तो उस कोई भी वस्तु ले लो, तुम पेन से लेकर, आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ एयर, पेन और मोबाइल फोन। क्या एयर में यूटिलिटी है? यस। क्या मोबाइल फोन में यूटिलिटी है? क्या फर्नीचर में यूटिलिटी है? यस। सो यूटिलिटी तो लगभग सब में ही आ ही जाता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट। दूसरा, दूसरा स्कैर्सिटी में कमी होना चाहिए। एयर का कमी नहीं है, नेचुरली पूरे तरीके से अवेलेबल है। आया समझ में? एयर स्कैर्सिटी नहीं है, बट इफ यू चेक आउट मोबाइल फोन, जब तक बनाओ नहीं तब तक वो अवेलेबल नहीं है। आया समझ में? सो मोबाइल फोन को, जो iPhone 14 लॉन्च होगा, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है? और फर्नीचर ले लो या डायमंड्स ले लो, तो जमीन से निकालना पड़ेगा, तो अबंडेंट नहीं है।
स्केर्स, तो इसलिए स्केर्सिटी जैसे ही आता है तुम्हारा एयर आउट हो जाता है वेल्थ के डेफिनेशन से, क्योंकि वो स्केर्स नहीं है। तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी, एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर करते आना चाहिए, बेचते आना चाहिए, ठीक है। सो व्हीकल ज्वेलरी ट्रांसफरेबल है, तो यस तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। और जो चौथा पॉइंट है ना, एक्सटर्नल टू अ पर्सन, अब समझ में आया, इंटरनल टू अ पर्सन वो वेल्थ नहीं होगा, एक्सटर्नल टू अ पर्सन वो होगा। सो चार कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया वेल्थ के क्या है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेल्थ, वेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया था डेफिनेशन, एनीथिंग जिसका मार्केट वैल्यू है और एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर मनी, दैट इज वेल्थ। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ में कितने भाग है, चार भाग है, यूटिलिटी, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। इसको भी चार पॉइंट्स लर्न करने के लिए वी हैव डिवाइस्ड अ स्टोरी फॉर यू, लर्निंग आइडिया। सो ऐसा सोचो, यूएस यूटिलिटी और स्कैर्सिटी, तुम यूएस में, तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है ठीक है ना, तुम 10th के बाद यूएस में ट्रांसफर किए हो क्यों, और फिर वहां जाकर ठीक है यूएस में मेरी ट्रांसफर हो गई है और आगे अब 11th एक्सटर्नल ही दूंगा, कनेक्ट हुआ, यूएस यूटिलिटी स्कैर्सिटी, कहाँ ट्रांसफर हुआ है, अमेरिका, अब 11th कैसे दोगे, एक्सटर्नल दो। यू कैन यूज बिट्स ऑफ स्टोरीज टू लर्न, इफ नॉट तो रट्टा मारो तोते की तरह, ठीक है ना। बट मेरे को वो तोता बनना पसंद नहीं, आई वुड लाइक टू मेक यू क्रिएटिव एंड बी क्रिएट, कनेक्ट हो रहा है। सो लेट अस हैव क्विक रिवीजन, व्हाट इज वेल्थ, एनीथिंग व्हिच हैज अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। उसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यूटिलिटी, फिर स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नैलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स के बजाय दे कैन आस्क फीचर्स या नेचर, तो आंसर सेम ही रहे, सब लोग क्लियर है ये। सो ये तुम्हारा मीनिंग ऑफ वेल्थ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट क्लियर होता है।